डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के एक ऐसे शख्सियत जिन्हें आज भी बिहार के लोग याद करते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने मानव अधिकार के लिए भी बहुत काम किया है। जहानाबाद में अरवल मोड़ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 50वीं वर्षगांठ जयंती जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया एवं उन्हें याद कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद ने कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र बिहार के एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। उनका एक एक काम आज भी बिहार में बोलता है। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए रामजी प्रसाद ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद नहीं ठुकराती तो आज कांग्रेस इतना कमजोर न होता। इस मौके पर रामकृष्ण प्रसाद यादव, प्रोफेसर बैजनाथ शर्मा, परशुराम बिंद, शुभम कुमार, लाभम कुमार, भोला बाबू, आबिद मजीद इराकी, आचार्य आनंदी मिश्रा, चंदन मिश्रा सहित काफी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को याद किया एवं उन्हें नमन किया। अपने पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और जिन्होंने इनकी इतनी कुर्बानियाँ जिन्होंने दिया है देश के लिए, शायद भविष्य में इस तरह के और कोई होंगे या नहीं होंगे कहना बड़ी मुश्किल है। सारा चीज़ इन्हीं दिया हुआ था बिहार में, किसान किसानों के हित में, शिक्षकों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में जितना इनका कार्य रहा है, जितना सहयोग रहा है, शायद जितने मुख्यमंत्री ऐसा कर पाए। किस रूप में इन्हें आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? हम इस रूप में देना चाहते हैं इनकी हम इनके कर्जदार हैं और बिहार की जनता इनके कर्जदार है, इनकी सेवाओं का कर्जदार हम लोग हैं। इसलिए उनकी इतनी सेवा की हुई है, इसलिए हम लोग नतमस्तक हैं और जब तक हम लोग बचेंगे तब तक इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास। एक समय में इनके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस हुआ करती थी, अभी के समय में जो है वो स्थिति नहीं है, क्या आप मानते हैं? अभी के समय में स्थिति इसलिए नहीं है कि हमारे कांग्रेस भाई लोग सब दल बदल के जो वोटर थे इधर से उधर चले गए। यही कारण है कि आज कांग्रेस कमजोर हुई है, इनकी गलती नहीं है। कार्यकर्ता के लोग सब स्वार्थ में अपने चले गए, लोगों कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बढ़िया से लोगों ने नहीं दिया, जिस कारण कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए। इसे कहीं ना कहीं नेतृत्व की भी कमी रही है, कमी रही है। और तो और कमी तो हम कहते हैं अभी डायरेक्ट सोनिया गांधी पर ही हम कमेंट कर रहे हैं। सोनिया गांधी के ही चलते ये कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। अगर सोनिया गांधी भारी बहुमत से जीत कर आई थी, अगर उसने प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार करनी होती तो आज कांग्रेस इतनी कमजोर भी नहीं होती, ना कार्यकर्ता हमारे कमजोर होते। जगन्नाथ मिश्र का नेतृत्व कैसा था? बहुत था, सब बहुत बेजोड़ था, कहना कहेंगे। आज उन्हीं का पैटर्न नीतीश मिश्रा भी नीतीश कुमार चल रहे हैं, सब इन्हीं के दिया हुआ है। बिहार बढ़कर रहेगा, सब कुछ देश में जितना लिखे हैं सब उन्हीं पर चल रहे हैं लोग। जिस तरह से अंग्रेज लोग दो पटरी बना के चले गए रेल के, उसमें बहुत सारी आज गाड़ियाँ चल रही हैं, रफ्तारों वाली भी गाड़ियाँ, स्टील इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। उसी तरह से डॉक्टर मिश्रा ने एक मोटी लकीर खींची थी राजनीति की, जिस पर आज लोग हमारे इस बिहार के लोग उस पर कायम चल रहे हैं।